बीजेपी ने अब हैदराबाद को अपना गढ़ बनाने के लिए कमर कस ली और उसके लिए उठा रही है कुछ खास कदम। भाजपा अब सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही है और इसी को लेकर भाजपा ने एक नीति बनाई है कि किस तरह से हैदराबाद, जो कि असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है, उसे सेंध कैसे लगाई जाए। इसके लिए एक मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। हैदराबाद लोकसभा सीट पर आपको बता दें कि पिछले 30 साल से ओवैसी परिवार का राज है, एमआईएम का राज है। ओवैसी 2004 से सीट से सांसद हैं और इसी सीट को हासिल करने के लिए बीजेपी अब जोड़ तोड़ में लग गई है। इसी के लिए अब टारगेट दिया हुआ है भाजपा ने अध्यक्ष, भाजपा इकाई के अध्यक्ष लक्ष्मण को, कि 5 लाख नए सदस्य बनाए जाएं और यदि ये पूरा हो जाता है तो वे अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के साथ साथ अभियान चला रहे हैं। भाजपा की तरफ से फिलहाल सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, प्रचार प्रसार अभियान चलाया जा रहा है ताकि इस सीट को हत्या लिया जाए। आपको बता दें कि एक बार कांग्रेस इस सीट पर कब्जा कर चुकी है, लेकिन लगातार तब से ये एमआईएम के पास है और अब असदुद्दीन ओवैसी के हाथ से इस सीट को लेना चाहती है भाजपा और चाहती है कि ये सीट भाजपा के कब्जे में आ जाए, इससे उनका रुतबा भी पड़ेगा। तो लक्ष्मण ने कहा है कि हैदराबाद शहर में सदस्यों की तादाद बढ़ाई जा रही है और इस पर खास तवज्जो दी जा रही है, खास ध्यान दिया जा रहा है। तेलंगाना में माहौल भाजपा के पक्ष में है तो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा के लोग इस वक्त।